सोशल मीडिया पर मायापुर थाना की डायल 100 के चालक अजय योगी और होमगार्ड सैनिक सुरेंद्र सिंह चौहान द्वारा युवक की मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल में डायल 100 के चालक व होमगार्ड सैनिक ने युवक को मारते हुए खनियादाना पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी को गालियां दी, जिसके बाद विधायक प्रीतम सिंह ने अपने फेसबुक से एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस तरह मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को टारगेट करके बदनाम करने की साजिश रची गई है जिससे मैं बहुत दुखी हूं और प्रशासन ने अगर साजिश रचने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज भाजपा कार्यकर्ताओं सहित प्रीतम सिंह लोधी के समर्थकों ने मायापुर थाना का घेराव किया और नारेबाजी की। वह थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार को ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया कि डायल 100 के चालक और होमगार्ड सिपाही पर मामला दर्ज कर तत्काल निलंबित किया जाए, पर भाजपा कार्यकर्ताओं के घेराव करने एवं ज्ञापन देने से पहले ही मायापुर थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार ने डायल 100 के चालक अजय योगी एवं होमगार्ड सैनिक सुरेंद्र सिंह चौहान के ऊपर तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। खनियादाना से शिवकांत सोनी। आज मायापुर थाने पे ग्रामीणों ने घेराव करके एक ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है? ये एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था 11 तारीख की शाम को, उस संबंध में उस वीडियो की जांच कराई गई। उसमें 100 डायल के स्टाफ में तैनात सैनिक थे सुरेंद्र चौहान और 100 डायल का चालक अजय योगी, इन दोनों ने जो इवेंट पर जो गाड़ी गई हुई थी वहाँ जो एक व्यक्ति है उसकी मारपीट कर दी है, उस संबंध में जांच कराई गई और उन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर संबंधित विभाग को, जो सैनिक था वो होमगार्ड कार्यालय से था, उनको भेजा गया पत्राचार, वहाँ से उसको निलंबित कर दिया गया। थाने की कार्रवाई में उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। ग्रामीणों ने यही मांग बताई कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, जो हम लोग कर चुके हैं कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध में, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। इसी ने बुलाया का मामला है, कल एक विधायक जी ने भी सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट किया है, ये इससे ही संबंधित है, वो गाली गलौज भी उसमें आई है और मारपीट है, तो उसी संबंध में दोनों कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जो मायापुर थाने पर घेराव किया, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि 11 तारीख को एक अपना सुरेंद्र सिंह चौहान जो कांस्टेबल थे और उनके साथ में एक आरक्षक और थे, दोनों ने एक फरियादी को आरोपी को पकड़ा और उस आरोपी की पहले पिटाई करी जो कि एक तरीके से गलत है। पहले आरोपी को थाने में पेश किया जाता है और माननीय विधायक जी को इस तरीके से दिखाया गया कि विधायक जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास सीधा सीधा किया गया है। तो उसी घटना से सभी कार्यकर्ता लोग आहत थे, सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर और थाने में आवेदन दिया है संबंधित आरक्षक के खिलाफ कि उस पर FIR हो और पद से निलंबित हो। तो पद से निलंबित तो वो हो चुका है, अब FIR की जो प्रक्रिया है वो भी हो चुकी है। तो इसी संबंध में सभी कार्यकर्ता मंडल के सभी पदाधिकारी एकत्रित हुए थे कि उस पर कार्रवाई हो और उस पर FIR नहीं। किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया जी? आज हमने ज्ञापन दिया है दिनांक 11/7/2024 को, हमें 12 बजे यहीं एक घटना हुई थी, उस घटना के विषय में आज हमने उस घटना में जो क्या था, उस घटना में जो यहाँ डायल 100 पे स्टाफ था, उस स्टाफ सुरेंद्र सिंह चौहान के द्वारा एवं अजय योगी के द्वारा माननीय पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी को अपशब्द बोला गया एवं उस घटना को ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया जिससे कि माननीय विधायक जी की धूली छमित हो, उससे हम सभी कार्यकर्ता बहुत क्षति पहुँची है हमारे अंदर आत्मा को, जिससे आज हम सभी कार्यकर्ता मंडल मायापुर के इकट्ठे होकर आज हमने SP पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम आज यहाँ मायापुर थाने में ज्ञापन दिया है और इसकी निष्कासन पद निष्कासन की हमने मांग की है और FIR की भी मांग की थी जिसमें FIR हो चुकी है। आज मायापुर थाने पे घेराव किया, क्या पूरा मामला है? मायापुर थाने पे जो घेराव किया है वो इस संबंध में किया है कि 12 तारीख की घटना है 11 की, जो कि सीपरी विधानसभा में गांव आता है वो, और कोई जैसे अपराधी होता है, ठीक है अपराधी जो अपराध करता है उसकी अपन नहीं कह सकते, अब वहाँ पे जैसे अपराधी को फरियादी ने पकड़ लिया था, उसको खम्भे से बांध दिया और वो डायल 100 को फोन लगाते हैं, डायल 100 वहाँ पहुँचती है, अपराधी को खम्भे से छुड़वाती है और उसको बुरी तरह से डायल 100 का ड्राइवर अजय योगी और होमगार्ड सैनिक जो डायल 100 पे सैनिक हैं सुरेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने उसको गाली दी, लात घूसों से मारा। अजय योगी जो कि एक प्राइवेट उससे रखा ठेका पे रखा जाता है, तो उसने भी उसको गाली गलौज की, उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। और माननीय हमारे विधायक जी के खिलाफ भी अपशब्द बोले,
जो कि मैं मीडिया के सामने नहीं कह सकता, उसमें वीडियो क्लिप में सब कुछ है कि प्रीतम सिंह लोधी को विधायक बनने पे तुम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हो जाति विशेष का नाम लेके। आपकी मांग क्या क्या रखी है? हमारी मांग थी कि उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ FIR की जाए। तो अभी थाना प्रभारी जी को ज्ञापन दिया है तो उन्होंने हमको ये कॉपी भी दी है, FIR भी हो गई है दोनों के खिलाफ, और आश्वासन दिया है कि हम बर्खास्त के लिए कार्रवाई करके भेज रहे हैं।